काश वो मेरी प्रेमिका होती, वह आता होगा, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, गांधी जी हर सुबह सूत काटते थे। इन सेंटेंसेस के अंत में जो आइडेंटिटी आपको दिख रही है, होता ता होगा ता दे थे, डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटी है, और इन सब के लिए हम वुड का यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वुड के 8 कॉन्सेप्ट्स को। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ वुल विल सॉरी पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल विल का जो पास्ट है, ओके, विल का जो पास्ट है वो वुड होता है, और इस रूप में हम लोग यूज करते हैं वुड का। पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ऐसे सेंटेंसेस कहाँ यूज होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, ओके। आपने सीखा होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम पे विल का वुड चेंज हो जाता है, ठीक है, विल का वुड में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? देखिए ये सेंटेंस, उसने कहा कि वह आगरा जाएगा। अगर सिर्फ हम लोग इसको देखें, वह आगरा जाएगा, तो फिर सिंपली क्या होता है, वह आगरा जाएगा, ही विल गो टू आगरा। लेकिन इस सेंटेंस में उसने कहा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जुड़ गया, ओके, जो कि पास्ट है। उसने कहा कि, अभी की बात तो है नहीं, कहा कि यानी कि बीत गया है, भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है। तो फिर हम यहाँ पर जाएगा की जगह पर विल गो की जगह पर वुड गो करेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट ही वुड गो टू आगरा, उसने कहा कि वो आगरा जाएगा। यहाँ पर अब विल नहीं लगाएंगे, ही विल गो टू आगरा नहीं लगाएंगे। द रीजन रीजन ये है कि यहाँ पर सैड लगा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, माई ब्रदर सेड दैट ही वुड बाई अ कार, मेरे भाई ने कहा कि वह एक कार खरीदेगा। वैसे तो सिंपली वह एक कार खरीदेगा के लिए हम लोग लिखते ही विल बाई अ कार, लेकिन इस सेंटेंस में एड ऑन हो गया है क्या, मेरे भाई ने कहा, ओके, माई ब्रदर सेड दैट, सेड दैट इसका मतलब ये पास्ट की बात है, उसने कहा कि वो भूतकाल की बात है, तो फिर हम विल की जगह पर वुड का यूज करेंगे, ओके। उसने कहा कि वह मुझसे बात नहीं करेगी, वह मुझसे बात नहीं करेगी, सिर्फ इतना होता तो शी विल नॉट टॉक टू मी, हम लिखते शी विल नॉट टॉक टू मी, लेकिन यहाँ पर है उसने कहा कि ये लग गया है, तो ही सेड दैट, जब सेड आ गया तो सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट का हो गया, इसलिए विल का यूज नहीं करेंगे, हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इनडायरेक्ट स्पीच के होते हैं, जिसमें कि एक रिपोर्टिंग वर्ब आती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब आती है फिर हम लोग जो है विल की जगह पर वुड का यूज करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि विल के पास्ट के रूप में वुड का यूज किया जाता है, जब भी उसने कहा कि ये लग जाता है, उसने कहा कि वो खेलेगा, उसने उसने कहा कि वो पढ़ेगा, उसने कहा कि वो आएगा, उसने कहा कि वो जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करते हैं। ही सेड दैट ही वुड गो, ही सेड दैट ही वुड कम, ही सेड दैट ही वुड गो, ही सेड दैट ही वुड बाई अ कार, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि सेड दैट लग जाता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर वन, ओके। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड देखते हैं, एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट की हैबिट, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सिंपल पास्ट के सेंटेंस ये भी हैं जिसमें हम लोग वुड का यूज करते हैं, विल की नहीं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ पास्ट, ओके, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें देखिए वाक्य के अंत में ता था आ रहा है, ओके, ता था ते थे आ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या आता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब मैं बच्चा था मेरे दादाजी रोज कहानियां सुनाते थे, जब मैं बच्चा था
मेरे दादाजी रोज गाने सुनते थे। इस सेंटेंस में क्या रहा है, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में ये जो सेंस आपको लग रहा है, ये जो समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट का तो है ही है, और पास्ट के साथ साथ में एक आदत को, एक रूटीन को बताया जा रहा है कि बचपन में मैं जब छोटा था तो दादाजी कहानियां सुनाया करते थे या सुनाते थे। ओके, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। ओके, जब मैं बच्चा था माई फादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे। वुड लगा दिया हमने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी टेल। ओके, माई फादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे। एक और एग्जाम्पल देखिए, उन दिनों में लोक गीत सुनता था, ये भी पास्ट की हैबिट की बात है। आई वुड लिसन फोक सॉन्ग्स डोंट स्ट्रेस। ओके, गांधी जी रोज सूत काटते थे। गांधी जी वुड स्पिन एवरी डे। ओके, गांधी जी वुड स्पिन मीन्स होता है सूत काटना। ओके, चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए भी हम यूज करते हैं वुड का। ओके, मैं इस काम को करूंगा। अगर आप डिटर्मिनेशन से कह रहे हैं तो फिर विल की जगह पर वुड का यूज करिए। देखिए, विल जो है वो बिल्कुल कॉमन यूज होता है, बिल्कुल सिंपली कि इस काम को मैं करूंगा। जनरल थिंग्स के लिए हम विल लगाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन के लिए, इच्छा शक्ति के लिए हम वुड का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आइए देखिए। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, वुड आता है और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर वही होता है, तो अलग से स्ट्रक्चर हमने इसको किसी नहीं बनाया। हर परेशानी में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब ये जो है बिल्कुल कंफर्म बता रहा है कि कुछ भी हो जाए, है ना, मैं आपके साथ रहूंगा। तो आई वुड स्टैंड बाई यू, तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा। इन एनी ट्रबल, किसी भी परेशानी में, ठीक है, हर परेशानी में, किसी भी परेशानी में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। दूसरा देखिए, मैं अपराधी के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। अब ये भी डिटर्मिनेशन इसमें बता रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस जो है इम्फेटिक हो रहा है, थोड़ा सा जोरदार हो रहा है, वो बता रहा है कि कुछ भी हो जाए ना, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। इच्छा शक्ति को बता रहा है, डिटर्मिनेशन को बता रहा है, तो फिर हम विल की जगह पर वुड का यूज करेंगे। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर अ क्रिमिनल, मैं अपराधी के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। आई वुड पास यूपीएससी, मैं यूपीएससी पास करूंगा। ओके, आई विल पास में तो फिर वो बिल्कुल सिंपली बता रहा है जनरली कि हाँ मैं पास करूंगा, लेकिन आई वुड पास ये बता रहा है कि मेरी जो इच्छा शक्ति है, मेरे दृढ़ संकल्प के साथ में कह रहा हूँ कि मैं यूपीएससी क्लियर करूँ। ओके, तो जब भी डिटर्मिनेशन लाना हो किसी सेंटेंस में, तो विल की जगह पर आप वुड का यूज करिए। आई वुड डू इट, मैं इसको करूंगा, दिस इज माई डिटर्मिनेशन। ओके, आई विल डू बताता है कि मैं करूंगा सिंपली, लेकिन आई वुड डू, आई वुड डू, मैं इसको करूंगा। ओके, ये अंतर हो जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट होता है एक और एक होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना सिंपली बोल लेते हैं, हाँ प्लीज ये दे दो, लेकिन विनम्रता और भी ज्यादा आ जाती है, पोलाइटनेस आ जाती है आपके वाक्य में जब आप जो है वुड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। ओके, प्लीज हेल्प मी और वुड यू हेल्प मी में क्या अंतर है, इसको अभी हम आपको बताएंगे कि अंदर। तो दूसरा देखिए, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, वुड यू क्लोज द डोर। आप ये वुड का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम रिक्वेस्ट के लिए, तो वो रिक्वेस्ट जनरली नहीं है, वो रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, विनम्रता के साथ आप उसको बोल रहे। क्या आप मुझे अपनी सीट देंगे, वुड यू गिव मी योर सीट। ओके, मोस्टली तो यहाँ पर जो है लोग कैन का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, लेकिन कुड का भी यूज किया जाता है,
और माइट का भी यूज किया जाता है, वुड का भी यूज किया जाता है सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए। ओके, तो सब में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है सब में, आइए समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंस। ओके, मान लीजिए आपको किसी से हेल्प मांगनी है, किसी से मदद मांगनी है, तो कितनी तरह से आप मदद मांग सकते हो। आप कह सकते हो वुड यू हेल्प मी, आपको हेल्प मांगना है किसी से, तो देखिए कितने तरीके मैंने आपको ढूंढा है कि कितने तरीके से आप हेल्प के लिए बोल सकते हो। आपको हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हो वुड यू हेल्प मी, आप बोल सकते हो विल यू हेल्प मी, आप बोल सकते हो कैन यू हेल्प मी, आप बोल सकते हो मे यू हेल्प मी, आप बोल सकते हो कुड यू हेल्प मी, आप बोल सकते हो माइट यू हेल्प मी, आप बोल सकते हो प्लीज हेल्प मी, आप बोल सकते हो हेल्प मी। इन सब सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, मदद करवाने के लिए, मदद मांगने के लिए सारे सेंटेंसेस का हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं। हेल्प मी आसान सी बात है, हेल्प मी आप किसी से बोलते हो हेल्प मी, तो वो फिर आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको ऑर्डर कर रहे हो मेरी मदद करो। ठीक है, आप मदद करवाने का उसको आदेश दे रहे हैं कि मेरी मदद करिए। सेंटेंस में जो भावना आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, जो सेंस आ रही है, वो रिक्वेस्ट का ना होके ऑर्डर का रहा है। इसलिए आप जब भी किसी से हेल्प मांगिए तो प्लीज का यूज जरूर कीजिए। ओके, आप प्लीज लगाते ही ये सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में चला गया, कृपया मेरी मेरी मदद करिए। ओके, मान लीजिए आप जो है किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से आप विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि भैया मेरी मदद करो, और फिर उसको जो है ऑर्डर करके आप हेल्प मांग रहे हैं, तो फिर कौन करेगा, तो प्लीज लगा देंगे तो इट इज वेरी गुड। ओके, आप देखिए ये वाले तो आते हैं विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस सेंटेंस में, और वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, दोनों एक ही बातें। ओके, विल यू हेल्प मी और वुड यू हेल्प मी दोनों का अर्थ होता है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसको समझने की जरूरत है। विल यू हेल्प मी का मतलब आप जो है रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो, वो आपको आंसर करेगा कि हाँ या फिर ना, आप इस जवाब की उम्मीद मांग रहे हो कि मदद करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वुड यू हेल्प मी आप बोलते हो, तो आप जो है प्लीज हेल्प मी की जगह पर आप वुड यू हेल्प मी यूज करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब ये सेंटेंस और भी ज्यादा पोलाइट हो चुका है, और भी ज्यादा इसमें पोलाइटनेस आ गई है जब आपने बोला कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। ओके, तो इसमें जो है सिर्फ वो रिक्वेस्ट कर, इसमें जो है वो इंक्वायरी कर रहा है कि करोगे भैया कि नहीं मदद करोगे, लेकिन इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा है मदद करने के लिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे, यानी आपको विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए। चलिए ये वाला देख लेते हैं, कैन यू हेल्प मी और मे यू हेल्प, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैन यू हेल्प मी जो अंतर इसमें और इसमें है, वही अंतर इसमें है। ठीक है, अगर आप मे का यूज करते हैं, मे यू हेल्प मी, तो फिर आप थोड़ा सा जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ज्यादा बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन कैन यू हेल्प मी इसमें थोड़ा सा आदेशात्मक भावना आ जाती है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ आप बोल रहे हो, लेकिन मे यू हेल्प मी आप पोलाइटनेस के साथ बोल रहे हो। ठीक है, तो मे का यूज कर सकते हो आप। ओके, कैन का यूज करते हैं लोग, लेकिन मे का यूज में थोड़ा सा रिक्वेस्ट और अच्छी ढंग से होता है। अच्छा, अब देखिए अगर हम कुड का यूज करें और माइट का यूज करें, कैन और मे की जगह पर कुड और माइट का यूज करें। चलिए यहाँ पर देखिए वुड का, ओके, और कुड का और माइट का, इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। तीनों का जो प्रयोग है रिक्वेस्ट के लिए, तीनों का आप यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्रता के साथ में जब आप निवेदन करते हैं, तो वुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, और माइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है,
तीनों में अंतर ये है कि आप जो है उसी बात को कई तरीके से बोल सकते हैं ना, जैसे कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, और आपने बोला कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, माइट यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है, तो सकते हैं और करेंगे, ये अंतर है। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप का यहाँ पर ऑक्सिलरीज यूज करते हैं। ओके, तो मदद करवाने के लिए आप वुड का यूज करिए, विल का यूज करिए, कैन का यूज करिए, मी का यूज करिए, कुड का यूज करिए, माइट का यूज करिए, प्लीज का यूज करिए, सब जो है रिक्वेस्ट ही है, थोड़ा सा आप कहने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, टू एक्सप्रेस विश। विश को एक्सप्रेस करने के लिए, विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं वुड का। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट आती है, फिर वुड आती है, एंड देन वी वन एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपकी इच्छा है, आपने बोला कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है वुड के बाद में, फिर लाइक भी लगा होता है। ओके, वुड के बाद में लाइक भी आता है, वुड लाइक। ओके, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वुड लाइक आता है, और फिर देखिए टू आता है। ओके, टू से, तो आई वुड, उसके बाद में प्लस टू, और फिर वी वन आता है, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस टू प्लस प्लस वी वन एंड देन ऑब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। ओके, मैं चाय लेना चाहता हूँ, या मुझे चाय लेना पसंद होगा। आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू गो सिनेमा, मुझे सिनेमा जाना अच्छा लगेगा। मैं अगर सिनेमा जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, या फिर मुझे सिनेमा जाना, मैं सिनेमा जाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक का यूज आप करिए, फिर इन्फिनिटिव टू का यूज करिए, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई वुड से समथिंग, आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ चाहूंगा। आई वुड गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहूंगा। तो आई वुड लाइक यूज करिए, फिर टू का यूज करिए। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखेंगे, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर नहीं है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, वुड आता है पहले, पहले क्या आता है, वुड आता है, वुड के बाद में दैट आता है, और फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर वर आता है, ठीक है। और हिंदी में इसकी जो आइडेंटिटी होती है, काश लगा होता है। ओके, किसी सेंटेंस में काश लगा हो तो फिर वहां पर हम लोग यूज करेंगे वुड दैट। ओके, वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई, यहाँ पर इन हो गया है, इन की जगह पर आई होना चाहिए, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, ठीक है, वुड का यूज किया गया, उसके बाद में देखिए दैट का यूज किया गया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया गया, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखो वर्ब का यूज किया गया। ओके, तो काश मैं फिर से बच्चा हो जाता, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, काश वह मेरी प्रेमिका होती, वुड दैट शी वर माई बिलव्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काश आता है, ये टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए यूज होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर होता है वुड दैट, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब, वर्ड का यूज करते हैं, एंड देन अदर वर्ड का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 को, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस। अनरियल कंडीशंस, ऐसी कल्पनाएं जो कभी सत्य नहीं हो सकती हैं, ठीक है, अनरियल कंडीशंस, शर्तों के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए, कंडीशनल सेंटेंस है, तो ऐसी कंडीशंस जो अनरियल हैं, जो कभी सही नहीं होंगी, उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा बड़ा है, इफ का यूज करते हैं, और फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, राइट, तो सब्जेक्ट के पहले इफ आता है, और फिर वर्ब का यूज किया जाता है, और फिर आता है भैया ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में दूसरा
क्लॉज शुरू होता है जिसका सब्जेक्ट होता है, और फिर वुड आती है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर अदर वर्ड आता है। तो दो क्लॉजेस सेंटेंस में रहते हैं। देखिए जहाँ तो लगा है यहाँ पर सेपरेट होते हैं दो क्लॉजेस। ओके, यदि मैं चिड़िया होता तो बहुत ऊंचा उड़ता। ओके, तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई। अगर मैं मंत्री होता तो एक हेलीकॉप्टर खरीद लेता। इफ आई वर अ मिनिस्टर आई वुड बाई अ हेलीकॉप्टर। अगर मैं कवि होता तो तुम्हारे ऊपर कविताएं लिखता। इफ आई वर अ पोएट आई वुड राइट पोएम्स ऑन यू। ठीक है, अब इस सेंटेंसेस में क्या है, देखिए उड़ता, ओके खरीद लेता, ओके कविताएं लिखता, और साथ साथ में देखिए क्या लगाए तो, ओके और यहाँ पर देखिए यदि अगर और यदि एक ही है, ओके अगर तो और लास्ट में ता, शुरुआत में प्रारंभ में, किसी सेंटेंस के प्रारंभ में यदि आता है, बीच में तो आता है, और अंत में ता आता है। यदि तो ता, ओके यदि तो ता, ओके ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। ये जो आइडेंटिटी मिलती है तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 8 देखते हैं। ये भी रियल अनरियल कंडीशंस हैं लेकिन पास्ट के हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। सब्जेक्ट के पहले इफ लगा होगा और सब्जेक्ट के बाद में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो जब जो दूसरा वाला क्लॉज है उसमें भी हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, वुड को यूज करेंगे, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। ये अभी की बात नहीं है, ये पास्ट की घटना है जिसको अभी बोला जा रहा है, तो रिलेटेड टू पास्ट है। अगर पास्ट में तुमने ये काम किया होता, अनरियल कंडीशन अभी की नहीं है, पास्ट की है। अगर पास्ट की बात आ रही कि ऐसा काम तुमने किया होता तो ये हो जाता। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इफ का यूज करते हैं। देखिए इफ का यूज किया गया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया गया, फिर हैड का यूज किया गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। ओके, इफ यू हैड वर्क हार्ड, और दूसरा क्लॉज देखिए, फिर यू है, फिर वुड है, फिर हैव का यूज किया गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। दूसरा, अगर वह डॉक्टर के पास गई होती तो वह ठीक हो जाती। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये भी पास्ट की है। ठीक है, बोला अभी जा रहा है लेकिन ये बात जो है ये कंडीशन पास्ट की है। इफ She had gone to the doctor, she would have gotten well. Okay. एक और देख लेते हैं। अगर मैंने यह किताब पढ़ी होती तो मैं सारे प्रश्नों को उत्तर दे देता। ठीक है, ये अनरियल इसलिए है कि अब ये हो नहीं सकता, ये पढ़ा ही नहीं है तो फिर कहाँ से देते, डॉक्टर के पास गई ही नहीं है तो ठीक कहाँ से होती, कड़ी मेहनत की ही नहीं है तो फिर पास कैसे हो जाते। तो ये कभी भी सत्य होने वाली बात नहीं है, बस ये बात करने के लिए ही है बस। ओके, तो इफ आई हैड स्टडीड दिस बुक आई वुड हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर मैंने इस किताब को पढ़ा होता तो सारे प्रश्नों का जवाब दे देता। अगर मैं वहां गया होता तो ये कर लेता, मैं यहाँ गया होता तो ये कर लेता, वो यहाँ आई होती तो ये ऐसा हो जाता। ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल्स आपके सामने है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हमें अब चलना चाहिए, यहां पर एक पेड़ होना चाहिए। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें कौन देगा। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सिंह एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं।
दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड इन डिटेल। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट नंबर वन, टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन। किसी सलाह के लिए या किसी सुझाव के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य में, सेंटेंस में, किसी भी एडवाइस के लिए या फिर सजेशन के लिए हम यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी शुड। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस में हम सबसे पहले, अगर सेंटेंस असर्टिव है यानी कि अफर्मेटिव है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट से और उसके बाद में हम लगा देते हैं शुड। ओके, शुड के बाद में फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में फिर अदर वर्ड, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं अदर वर्ड जो भी होता है उसको लगाते हैं, राइट। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, उसे यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। ये आपका एडवाइस है या फिर उसके लिए सुझाव है, ठीक है, कि उसे यह किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। आप उसको सुझाव कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो या फिर एडवाइस दे रहे हो कि उसे यह किताब पढ़ना चाहिए। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट किसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे के लिए हम ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, इसलिए ही लगाएंगे। उसके बाद में शुड का यूज करेंगे। ओके, तो हो गया भैया ही शुड। ओके, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वी वन। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, और जो कि फर्स्ट फॉर्म है ऑलरेडी, तो ही शुड रीड, क्या पढ़ना चाहिए, दिस बुक, इस किताब को। ओके, उसे इस किताब को पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप एडवाइस दे रहे हो या फिर उसको सुझाव दे रहे हो कि तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओके, किसे करनी चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश सीखेंगे, तुम्हें की इंग्लिश होती है यू। ओके, आफ्टर दैट हम लगाएंगे शुड और उसके बाद में वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेट, ओके, फॉर हिम, उसका इंतजार, उसकी प्रतीक्षा। तो वी शुड वेट फॉर हिम, हमें उसका इंतजार, तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। ये सजेशन आप सजेस्ट कर रहे हैं या फिर एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें जो है उनकी मदद करना चाहिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे यू, आफ्टर दैट हम लगाएंगे शुड एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड हेल्प, किसकी मदद करना चाहिए, उनकी करना चाहिए, फिर हम लगा देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके, यू शुड हेल्प देम, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस को एक्सप्रेस किया गया हो या फिर सजेशन को एक्सप्रेस किया गया हो, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट शुड एंड देन वी वन, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो। ऐसे सेंटेंसेस के वाक्य में चाहिए आता है। दोस्तों चाहिए अगर सामान्य अर्थ में आता है तो फिर हम शुड का यूज करते हैं। ओके, अगर अवश्य चाहिए होता है तो फिर मस्ट लगाते हैं। अगर मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है तो फिर वहां पर हम ऑट टू लगाते हैं, नैतिक दायित्व के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए हम लगा देते हैं ऑट टू। ओके, चलिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, हम सिंपली नॉट लगा देते हैं शुड के बाद में। बस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में शुड एंड देन नॉट एंड देन वी वन एंड अदर वर्ड। ओके, उसे यह किताब नहीं पढ़ना चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, हम शुड नॉट यूज कर देंगे, ही शुड नॉट रीड दिस बुक, तुम्हें उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट वेट फॉर हिम। ओके, एंड द नेक्स्ट इज यू शुड नॉट हेल्प देम, तुम्हें उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो शुड के बाद में हम नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत हम सबसे पहले शुड से करते हैं, राइट, अगर सेंटेंस यस नो टाइप का हुआ तो। ओके,
तो शुड यूज करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्या करेंगे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते आप तो सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो क्या उसे यह किताब पढ़ना चाहिए, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ठीक है, क्या उसे यह किताब पढ़ना चाहिए, तो इसका जो आंसर है यस नो टाइप में ही दिया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज यस नो टाइप। ओके, तो यस नो टाइप को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी यही है, शुड है, तो सबसे पहले हम शुड लगा देंगे। ठीक है, शुड के बाद में हम सब्जेक्ट लगा देंगे, किसे पढ़ना चाहिए, उसे, जिसकी इंग्लिश होती है ही। आफ्टर दैट क्या लगाएंगे, देखिए हमारा शुड हो गया, शुड के बाद में सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में अब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड है, तो शुड ही रीड। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ना चाहिए, इस बुक को, इस किताब को, क्या उसे यह किताब पढ़ना चाहिए, शुड ही रीड दिस बुक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्या से शुरू हो रहा है, तो फिर हम शुड लगा देंगे। ओके, शुड यू वेट फॉर हिम, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, इसके लिए भी हम शुड पहले लगाएंगे। ओके, तो शुड, और ये हो गया सब्जेक्ट, और हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। शुड यू हेल्प देम, क्या तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये तो था स्ट्रक्चर किसका, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, अगर सेंटेंस यस नो टाइप का नहीं होता, डब्ल्यू एस टाइप का होता है, तो फिर क्या करते हैं हम इसमें इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में हम सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। ओके, क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, हुम, हुज, विच, जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, उसके बाद में हम शुड लगाएंगे। ओके, शुड के बाद में फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए थर्ड नंबर पर आ गया। ठीक है, और उसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसे यह किताब क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों मींस अब वो इंक्वायरी कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो हमारी इंक्वायरी है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका आंसर यस नो टाइप में नहीं दे सकते, बिकॉज रीजन इज आस्किंग। ओके, तो अब रीजन इज बीइंग आस्क्ड, रीजन पूछा जा रहा है, तो इससे उसे यह किताब क्यों पढ़ना चाहिए, रीजन जो है वो पूछा जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई, उसके बाद में शुड लगा देंगे, उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, व्हाई शुड ही रीड दिस बुक। अगला देखते हैं कि उसे किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसे किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। किसे उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसे किसकी नहीं है, किसे उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट की इंक्वायरी करना, किसको प्रतीक्षा करनी चाहिए, हु शुड वेट फॉर हिम। सब्जेक्ट की जगह पर देखिए हु ही आ गया है, अब फिर सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहा है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट ही पूछताछ कर रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फिर मेन वर्ब आ गई। इस सेंटेंस को समझ लीजिए भाई, क्योंकि यह सेंटेंस बोल रहा है उस किसे उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, कौन उसकी प्रतीक्षा करे, ठीक है, किसको करनी चाहिए, जिसको करनी चाहिए उसके बारे में ही इंक्वायरी कर रहा है ना, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मिसिंग है, तो सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट के लिए ही तो फिर हु लगा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसे किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, हु शुड वेट फॉर हिम। नेक्स्ट देखेंगे, हुम शुड यू हेल्प, आपको किसकी मदद करनी चाहिए, इस सेंटेंस में आप जो है तुम्हें किसकी सहायता करनी चाहिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी हो रही है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो हुम शुड यू हेल्प, आपको किसकी सहायता करनी चाहिए। अगर सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप का होता है, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में हम शुड का यूज करेंगे, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर टू देखते हैं, टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है,
टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शुड बी। ओके, शुड की जगह पर अब हम बी भी जोड़ देंगे तो शुड बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत है तो शुड बी। जैसे कि प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक गांव में एक एक पुस्तकालय की आवश्यकता है, एक एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, होना चाहिए जहां पर आ जाता है। चाहिए के लिए सिर्फ हम लगाते हैं शुड, और होना चाहिए के लिए हम लगाते हैं शुड बी, याद रखना। ठीक है, तो देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। ओके, तो प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए। सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है वो डियर का यूज किया जाएगा। अगर आप डियर का यूज नहीं पढ़े हो तो फिर आप कमेंट करके बताइए, यूज ऑफ डियर का वीडियो हम बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे। ओके, देयर शुड बी अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, हर विलेज में, हर गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। ही शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, उन्हें ही शुड बी, यहाँ पर ही है तो फिर यहाँ पर तुम्हें की जगह पर उसे आना चाहिए। उसे गरीबों के प्रति उदार होना चाहिए, यानी कि उदार होने की जरूरत है, उसे गरीबों के प्रति उदार होने की जरूरत है। ही शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, राइट, द पुअर मीन्स गरीब लोग। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। एक आयुर्वेदिक औषधि है भाई तुलसी, है ना, उसकी पत्ती जो है बहुत यूजफुल होती है, इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। देयर शुड बी अ तुलसी प्लांट इन एवरी हाउस, देयर शुड बी अ तुलसी प्लांट इन एवरी हाउस, या रिक्वायरमेंट को बता रहा है कि प्रत्येक घर में ये चीज होना चाहिए, राइट। चलिए, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो फिर हम जो नॉट है वो कहाँ लगाएंगे, शुड और बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे, शुड नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी, इस गली में शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो देयर शुड नॉट बी अ वाइन शॉप इन दिस स्ट्रीट, इस गली में शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। ठीक है, शराब की दुकान की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेगेटिव सेंस में आ जाए तो फिर हम क्या लगाएंगे, शुड नॉट बी। ओके, उसे आक्रामक नहीं होना चाहिए, उसे आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है, ही शुड नॉट बी एग्रेसिव। ओके, सड़क पर गड्ढे नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी पिट्स ऑन द रोड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, यस नो टाइप का, तो फिर क्या करेंगे, हमसे पहले सबसे पहले शुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद में फिर देखिए बी लगाएंगे। ओके, बी अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके भी पहले शुड आएगा, शुड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन बी एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, क्या सबसे पहले आ रहा है, तो क्या कि इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके लिए। ओके, तो शुड देयर बी अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, क्या हर गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यस या फिर नो टाइप का सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे, शुड से करेंगे। ओके, क्या तुम्हें गरीबों के प्रति उदार होना चाहिए, शुड, अब तुम्हें है तो तुम्हें है तो यहाँ पर यू लगा दीजिए, शुड यू बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर। ओके, क्या प्रत्येक घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए, शुड देयर बी अ तुलसी प्लांट इन एवरी हाउस। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी हम शुड बी का यूज करते हैं, या देखिए संभावना के लिए वैसे मे का यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं। ओके, कैन बी का यूज भी करते हैं, मे बी का यूज करते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए हम शुड बी का भी यूज करते हैं। जैसे कि फाइल अलमारी में हो सकती है कि जगह पर अगर हम करते हैं होना चाहिए। ओके, उसे कमरे में होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, कोई चीज कहीं पर भी किसी सेंटेंस में होना चाहिए आता है, ये आइडेंटिटी इसकी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लगाते हैं शुड बी। ओके, हो सकता है
के लिए कैन बी या मे बी लगाते हैं, लेकिन होना चाहिए के लिए शुड बी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, उसके बाद में शुड बी का यूज करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फाइल अलमारी में होना चाहिए, अलमारी में होना चाहिए, अलमारी में होना चाहिए, ये बता नहीं रहा है कि इसमें अलमारी में होने की जरूरत है, होना चाहिए बता रहा है कि हो सकती है, होने की संभावना है। ओके, फाइल अलमारी में होना चाहिए, तो द फाइल शुड बी इन द अलमीरा। ये अलमीरा की स्पेलिंग ये ऑटो करेक्ट करके यहाँ पर रॉन्ग हो गई है, ठीक है, अलमीरा है। तो द फाइल शुड बी इन द अलमीरा, फाइल जो है वो अलमारी में होना चाहिए। ही शुड बी इन द रूम, उसको कमरे में होना चाहिए, यानी कि उसे कमरे में होने की संभावना है, उसे कमरे में होना चाहिए। ही शुड बी एट होम टूडे, आज छुट्टी है तो हो सकता है कि वो घर पे हो, तो उसे आज घर पे होना चाहिए, यानी कि उसके घर पे होने की संभावना है। तो ही शुड बी एट होम टूडे, उसके आज घर पे होने की संभावना है, या फिर ये कह सकते हैं उसे आज घर पर होना चाहिए। तो शुड बी का यूज रिक्वायरमेंट के साथ साथ में पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर फोर, देखिए लेस्ट, लेस्ट के साथ में शुड लगता है, याद रखना ये स्ट्रक्चर, लेस्ट के साथ में शुड लगता है। लेस्ट के साथ में शुड लगता है, कभी कभी ये कॉमन एरर्स में ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, लेस्ट के साथ में शुड की जगह पे कुछ और मॉडल वर्ब लगा देते हैं, तो आपको याद रखना है लेस्ट के साथ में शुड का यूज करते हैं। ओके, तो धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो, ये जो आइडेंटिटी है, कहीं ऐसा ना हो जब आए तो फिर आप जो है इसके लिए लेस्ट का यूज करिए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, जहां भी आता है आप लेस्ट का यूज करिए, कहीं ऐसा ना हो, ये आइडेंटिटी है, इसके लिए हम लेस्ट लगाते हैं। तो वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, लेस्ट, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, ओके, फिर उसके बाद लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, और फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट एंड देन शुड, ओके, एंड देन वी वन, यू शुड फॉल, धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ओके, सीढ़ी पर सावधानी पूर्वक चढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। क्लाइम द लैडर केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल, याद रखना कहीं ऐसा ना हो के लिए लेस्ट लगाते हैं और शुड लगाते हैं। आइडेंटिटी आपकी है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो के लिए क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं लेस्ट एंड देन शुड। ओके, रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी फ्लाइट छूट जाए। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट। कॉन्सेप्ट नंबर फाइव, टू एक्सप्रेस कंडीशन, शर्त के लिए, शर्त के लिए हम शुड का यूज करते हैं। दोस्तों जो शर्त होती है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इसके लिए तो हम इफ का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में शुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो शुड आ रही है, शुड इज इक्वल टू इफ। ओके, शुड जो है किसका काम कर रही है, इफ का काम कर रही है, यानी कि आपको जो शुड दिखाई दे रहा है उसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, इफ निकल कर आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यदि वो भोजन नहीं बनाएगी तो हम क्या खाएंगे, अगर वो भोजन नहीं बनाएगी तो हम क्या खाएंगे। देखिए यहाँ जो यदि है, इसके लिए हम इफ भी लगा सकते हैं और नहीं तो शुड का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो इफ शी नॉट कुक, चाहे कर लीजिए चाहे आप कर दीजिए, अंटिल शी कुक फूड ये भी कर सकते हैं, और चाहे आप कर लीजिए, शुड शी नॉट कुक फूड, अगर वो खाना नहीं बनाएगी या नहीं बनाती है, व्हाट शैल वी ईट, तो हम क्या खाएंगे। ओके, इन सेंटेंसेस में शुड इज इक्वल इफ, शुड जो है इफ के का काम कर रहा है। ओके, यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हें कौन देगा, देखिए ये सेंटेंस भी कंडीशनल है, यहाँ पर यदि का यूज किया गया है, तो यदि के लिए हम शुड का यूज करेंगे। ओके, इफ का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो शुड यू रिक्वायर एनीथिंग, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है, हु विल गिव यू, तो तुम्हें कौन देगा। सारे सेंटेंसेस कंडीशनल हैं, कंडीशनल के लिए शुड का भी यूज किया जाता है। शुड यू कम टू मी आई शैल टीच, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके ये भी कह सकते हो इफ यू कम टू मी आई शैल टीच, ओके अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स, जब आपको आइडेंटिटी चाहिए के बाद में देखिए था भी लगा हो, चाहिए था, चाहिए था, ओके चाहिए था, चाहिए के बाद में अगर था लग जाए तो फिर हम शुड के बाद में हैव लगा देते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि हैव भी लग गया तो हैव लग गया भैया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आएगी, ठीक है। चाहिए था, ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए के लिए यू शुड लगा देंगे, यू शुड गो, और तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव टू गॉन। ओके तो स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में शुड लगाते हैं, एंड देन हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके उसे आवेदन जमा कर देना चाहिए था, उसे आवेदन जमा कर देना चाहिए था, आइडेंटिटी देखिए चाहिए था आ रही है, तो ही शुड हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन। शुड का यूज किया गया है और फिर हैव लगा दी गई है, और फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ओके ही शुड हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, ओके द एप्लीकेशन की द एप्लीकेशन, यहाँ पर द एप्लीकेशन होगा क्योंकि इसका जो ए है प्रोनाउंसिएशन वो बुला रहा है दी एप्लीकेशन। ओके मुझे कमरा साफ कर लेना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर सका, तो आई शुड हैव क्लीन्ड द रूम, शुड हैव लगा रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि कर लेना चाहिए था रहा, इसलिए शुड हैव एंड वी थ्री। ओके बट आई कुडंट डू, लेकिन मैं नहीं कर सका। एक और देख लेते हैं, सीईओ को आज मीटिंग में होना चाहिए था, ओके द सीईओ शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग टुडे। ओके आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुड का यूज और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि 8 कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर वन। ओके कॉन्सेप्ट नंबर वन, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ओके पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। ओके लेकिन जब बात आती है किसकी, पोलाइट रिक्वेस्ट की, विनम्र निवेदन की, निवेदन नहीं विनम्र निवेदन की, तो फिर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके परमिशन के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले तो हम कुड का यूज करते हैं। ओके उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ओके फिर उसके बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने किसी से पूछा क्या मैं इसे ले सकता हूँ, तो आपने अगर बोला कैन आई टेक इट, तो फिर ये तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। आप इस किस का ये भी बोल सकते हैं मे आई टेक इट, ठीक है ये भी रिक्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बदले आप अगर कुड का यूज कर देते हैं तो फिर ये वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट में आ जाएगा, विनम्र निवेदन में आ जाएगा, थोड़ा सा पोलाइटनेस जो है आ जाएगी सेंटेंस में। ओके विनम्रता की भावना आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले सेंटेंस में यूज किया जाता है कुड का। ओके क्या मैं इसे ले सकता हूँ, देखिए सकता हूँ आ रहा है, तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि सकता हूँ के लिए हम कैन लगाते हैं। देखिए कैन का यूज आप कर सकते हैं सेंटेंस में, वो रिक्वेस्ट की फीलिंग आएगी, रिक्वेस्ट का सेंस आएगा, लेकिन आप इसके जगह पे कुड का यूज अगर कहीं पे देखते हैं या फिर आप इसका यूज करते हैं तो फिर ये पोलाइट रिक्वेस्ट में आ जाएगा। ओके हम माइट का यूज, मे का यूज, कैन का यूज सबका करते हैं, लेकिन जो पोलाइटनेस है वो बढ़ती चली जाती है। ओके तो कुड आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। ओके
कैन की जगह पर देखिए कुड का यूज किया गया है, किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ओके, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो आप जो है कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट, मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट, कुड का भी यूज करिए। ओके, कुड का यूज भी किया जा सकता है, सेंटेंस और भी पोलाइट बन जाएगा, विनम्रता की भावना और भी ज्यादा आ जाएगी। कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, या फिर क्या आप खिड़की खोल देंगे? यहाँ पे खोल लिखा है, इसको खोल पड़ेंगे। क्या आप खिड़की खोल देंगे, किसी से आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है? कैन यू ओपन द विंडो, तो फिर कैन जो है वो सिंपल आ जाएगा कि ठीक है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा बढ़िया से बोलना है, अच्छी से विनम्रता के साथ बोलना है, तो फिर आप कुड का यूज करिए। ओके, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। क्या आप पंखा बंद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन, कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन। यानी कि सेंटेंस में विनम्रता की भाव लाने के लिए, विनम्रता की भावना को लाने के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट को बनाने के लिए, परमिशन देने के लिए या लेने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर और दिया है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इसके लिए आप कैन या मे के साथ साथ में कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? देखिए कैन, मे और कुड, ठीक है, माइट के लिए, माइट का भी यूज हम करते हैं परमिशन के लिए। तो विनम्रता की भावना जो है वो बहुत ज्यादा उच्च कोटि की है, बहुत ही ज्यादा विनम्रता की भावना है, तो फिर कुड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप ये फॉर्म भर देंगे, किसी से आपने बोला, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया उसको फॉर्म भरने के लिए, तो फिर कुड का इस्तेमाल करिए। कुड यू फिल दिस फॉर्म, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या आप मेरी गाड़ी में धक्का लगा देंगे या धक्का लगा सकते हैं? कुड यू पुश माई कार। ओके, देखिए सब में कुड का यूज किया गया है सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए, विनम्रता की भावना को लाने के लिए। क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ? ओके, कुड आई यूज योर लैपटॉप। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें विनम्रता की भावना हो, जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, और बहुत ही विनम्रता के साथ आप परमिशन मांग रहे हैं, तो फिर कुड का इस्तेमाल करें। कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू हमारा कहता है किस जगह पर हम यूज करते हैं वॉज ए वॉज नॉट एबल टू, वॉज एबल टू या फिर वॉज नॉट एबल टू। नॉट नेगेटिव है तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। आई वॉज एबल टू या फिर आई वॉज नॉट एबल टू। सब्जेक्ट यूज करेंगे, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद में फिर हम कुड लगाते हैं। ओके, अभी तक सब्जेक्ट से पहले कुड लगता है अगर, तो फिर वहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट की भावना आती है। अब सब्जेक्ट के बाद में कुड आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन अदर वर्ड, और फिर ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट कुड और वी वन एंड देन अदर वर्ड, ये क्या दिखाएगा? वाज एबल टू या फिर नेगेटिव होगा तो वाज नॉट एबल टू। जैसे कि मैं जा सका या मैं जा पाया, वहां पर मैं जा सका आई कुड गो, यानी कि आई वॉज एबल टू गो, मैं जाने के काबिल था, मैं जा सका, मैं जा पाया, मैं उससे मिल सका आई कुड मीट हिम, मैं उससे मिल सका या मैं उससे मिल पाया आई कुड मीट हिम। मैं वहां नहीं रुक सका या फिर मैं वहां नहीं रुक पाया। देखिए यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पाया या सका लगा हो, तो फिर वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं वहां नहीं जा सका, ठीक है। यहाँ पर पाया के लिए फाउंड मत लगाइए, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं वहां नहीं जा सका, यानी कि कैन का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन। आई कुड नॉट रिप्लाई, मैं जवाब नहीं दे सका या मैं जवाब नहीं दे पाया। ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कर सका, ऐसे हम लोग बहुत बोलते हैं, बहुत सेंटेंस इनका यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। ओके, मैं कुछ नहीं कर सका या मैं कुछ कर नहीं पाया, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए एग्जाम्पल्स गलत दे दिया गया है। आई
कुड नॉट डू एनीथिंग, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, ये होगा मैं कुछ नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, हम उसे नहीं बचा पाए, वी कुड नॉट सेव हिम, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर रॉन्गली लिख उठे हैं तो इसको इग्नोर करिए, हम उसे नहीं बचा सके या फिर हम उसे नहीं बचा पाए, वी कुड नॉट सेव हिम, मैं समझ नहीं सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये सारे एग्जाम्पल्स किसी दूसरे सेंटेंस के टाइप हो गए हैं तो इसको प्लीज इग्नोर करें, मैं समझ नहीं सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोल पाया या मैं कुछ बोल नहीं सका तो आई कुड नॉट से एनीथिंग। ओके ना, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री इज कहाँ पर यूज करते हैं, पावर एबिलिटी कैपेसिटी। देखिए ये पास्ट की बात हो अगर तो फिर हम पावर एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं कुड। ओके प्रेजेंट में तो हम यूज करते हैं कैन को और पास्ट में पावर एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं कुड को। ओके स्ट्रक्चर इसका वही होता है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी वन एंड देन अदर वर्ड। मैं ऐसे कर सकता था इसका मतलब मेरा मैं मेरे अंदर इसको करने की क्षमता थी, पावर थी, कैपेसिटी थी, आई कुछ डू दिस, मैं इसको कर सकता था, राइट। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में कुड का यूज किया गया है और यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड, आई कुड डू दिस वर्क, मैं बचपन में तैर सकता था। ओके ये पास्ट की एबिलिटी के बारे में बता रहा है, आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड। ओके वह चल और बोल सकती थी, पास्ट टेंस की बात है, ठीक है। तो फिर शी कुड वॉक एंड स्पीक, वो चल और बोल सकती थी, वह बोल और चल सकती थी, मैं 25 किलो उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट 25 किलोग्राम। ओके आई कैन लिफ्ट, आई कुड लिफ्ट 25 किलोग्राम, ठीक है, कुड का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है वो सकता था, पास्ट की बात है, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पावर, पास्ट की कैपेसिटी को बता रहा है। ओके तुम तैर नहीं सकते थे, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम कुड नॉट का यूज करते हैं, राइट, कुड नॉट का यूज करेंगे, यू कैन नॉट स्विम, तुम तैर नहीं सकते थे, वह कार नहीं चला सकता था, ही कुड नॉट ड्राइव द कार, कुड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। ओके वह लड़का किसी से बात नहीं कर पाता था, दैट किड कुड नॉट टॉक टू एनीवन। ओके जब मैं 2 वर्ष का था मैं चल नहीं सकता था। ओके जब मैं 2 वर्ष का था चल नहीं सकता था, ये भी सेंटेंस पास्ट की बात है तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड, जब मैं 2 वर्ष का था, व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट एंड कुड नॉट वॉक। ओके सब्जेक्ट कुड नॉट एंड देन वॉक की फर्स्ट फॉर्म, तो जब मैं 2 वर्ष का था, व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड आई कुड नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता था। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कुड नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तुम तैर नहीं सकते थे, यू कुड नॉट स्विम, वह कार नहीं चला सकता था, ही कुड नॉट ड्राइव द कार, वह लड़का किसी से बात नहीं कर पाता था, दैट किड कुड नॉट टॉक टू एनीवन, जब मैं 2 वर्ष का था मैं चल नहीं सकता था, व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड आई कुड नॉट वॉक। देखिए यहाँ पर जो किड है, किड किसके लिए यूज करते हैं, किसी बच्चे के लिए, तो यहाँ पर वो जो वह लड़का ऐसा हो रहा है, लड़का के लिए यहाँ पर सेंस किसका है, वो जो बच्चा है। ओके वैसे तो किड होता है बेबी, गोट को किड बोलते हैं, और लड़कों के लिए बॉयज गर्ल्स के लिए लिटिल स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी हम किड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर थ्री देखते हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर फोर, डिजायर या फिर इमेजिनेशन के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके
गुड इज यूज्ड फॉर डिजायर और इमेजिनेशन। स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है, आई विश और फिर सब्जेक्ट एंड देन कुड एंड वर्ब द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फिर अदर वर्ड। ओके आई विश एंड सब्जेक्ट एंड फिर कुड लगा दीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ओके चलिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, काश लगा होता है, काश। ओके काश मैं जा पाता, काश मैं वहां पे आ पाता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर डिजायर इमेजिनेशन हो वहां पर आई विश का यूज करिए। आई विश आई कुड गो, काश मैं जा पाता, काश मैं आ पाता, आई विश आई कुड कम। देखिए आई विश लगा है और उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हुआ है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काश मैं आपकी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश पुलिस समय पर पहुंच जाती, आई विश पुलिस कुड रीच ऑन टाइम। डिजायर और इमेजिनेशन के लिए हम आई विश फिर सब्जेक्ट और फिर कुड का यूज करते हैं और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें काश लगा होता है, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, काश मैं वहां जा पाता। ठीक है, आई विश आई कुड गो, आई विश आई कुड कम, आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश पुलिस कुड रीच ऑन टाइम, ऐसे सेंटेंसेस। ओके डिजायर इमेजिनेशन जो है वो फ्यूचर में अगर आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर फ्यूचर की बात होती है तो फिर हम सिर्फ हैव लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 है कुड का। ओके हैव के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये डिजायर और इमेजिनेशन फ्यूचर, थोड़ा सा फ्यूचर की ओर आपको इंगित करता है। जैसे कि काश मैं जा पाता, फ्यूचर की बात है, ठीक है अब ये पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। ठीक है कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, काश मैं वहां जा पाता। अगर फ्यूचर की बात है तो फिर कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट की बात है तो सिर्फ कुड और वी वन लगाएंगे। ठीक है तो आई विश आई कुड हैव गॉन, काश हम आ पाते, काश हम आ पाते। यहाँ पर पाता की दफा पाते के लिए काश हम आ पाते, आई विश वी कुड हैव कम, काश मैं आपको दे पाता। अब ये सब फ्यूचर की ओर थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। ओके आई विश आई विश आई कुड हैव गिवन यू, काश मैं आपकी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हैव हेल्प यू। तो डिजायर हो, इमेजिनेशन हो और थोड़ा सा फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस में कुड के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके मैं कुछ नहीं कर पाया, छोड़िए इसको। ओके कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 इज पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं, किसका हम यूज करते हैं, कुड का। राइट इसके पहले वाले में हमने देखा कुड और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा रहे हैं लेकिन आई विश का यूज किया जा रहा है। अब आई विश का यूज नहीं किया जा रहा है, सिंपली सब्जेक्ट के बाद में, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद में सिंपली कुड का यूज किया गया है और फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर अगर आता है तो ये पॉसिबिलिटी को बताता है पास्ट टेंस में। जैसे कि देखिए तुम इस काम को अकेले कर सकते थे, उस काम को तुम अकेले कर सकते थे और तुमने नहीं किया। ठीक है ये जब सेंस आ जाए तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू कुड हैव डन दिस वर्क अलोन, वाक्य के अंत में देखिए सकता था आ रहा है, सकता था। सका के लिए सिर्फ कुड लगाएंगे लेकिन सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए हम कुड हैव एंड वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस सवाल को 1 मिनट के अंदर लगा सकता था, आई कुड हैव सॉल्व दिस सम विद इन अ मिनट। वह कार चला सकती थी, शी कुड हैव ड्राइव इन द कार, शी कुड हैव ड्राइव इन द कार। अब कुड के साथ में हैव के यूज और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम वह काम को समाप्त नहीं कर सकता था,
सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे, ही कुड नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, क्योंकि कुड के बाद में नॉट का यूज हम कर देंगे, उसके बाद में फिर हैव का यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. ओके, ही कुड नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क. तो पॉसिबिलिटी, संभावना, पास्ट टेंस में पास्ट टेंस की संभावना की बात होती है, तो उसके लिए हम कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 7, टू एक्सप्रेस कंडीशंस, कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें भी कुड का यूज किया जाता है. जैसे अगर मैं मंत्री होता तो एक एरोप्लेन खरीद लेता. अब ये सेंटेंस कंडीशनल हो गया ना, देखिए अगर लगा है, अगर और उसके बाद में तो लेता, ये आपको आइडेंटिटी मिलेगी. ये कर लेता, वो कर लेता, अगर मैं होता तो ये कर लेता, वो कर लेता. स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सबसे पहले सेंटेंस में इफ यूज करें, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करें, उसके बाद में वर यूज करें. याद रखना वर ही यूज होगा, वाज नहीं यूज होगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो. ओके, एंड देन क्या करेंगे, डॉट 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 सेंटेंस में जो अदर वर्ड हो वो लगाएंगे, और कॉमा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में कुड का यूज किया जाता है. जैसे कि अगर मैं मंत्री होता तो एक एरोप्लेन खरीद लेता. सेंटेंस में देखिए दो क्लॉजेस हैं, एक एयरप्लेन खरीदने की बात है और मंत्री होने की बात है. ठीक है, दोनों क्लॉजेस में एक कंडीशनल है, देखिए यहाँ पर कंडीशनल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ आई वर अ मिनिस्टर, इफ का यूज किया गया ना, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज किया गया, उसके बाद में वर लगाया गया है. तो इफ आई वर अ मिनिस्टर, और इसके बाद में फिर आप कुड का ही इस्तेमाल करेंगे. याद रखना आई कुड बाई एन एरोप्लेन, बहुत बट लिखा है इसको, बाई करिए, आई कुड बाई एन एरोप्लेन. अगर मैं वहां होता तो स्थिति को नियंत्रित कर लेता. ये सेंटेंस भी कंडीशनल है, इफ आई वर देयर आई कुड कंट्रोल द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लेता अगर मैं वहां होता. ओके, अगर मैं डॉक्टर होता तो उसे बचा लेता. इफ आई वर अ डॉक्टर आई कुड सेव हिम. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको यहाँ पर देखिए, ये कॉमन एरर्स में भी आपको ऐसे पूछते हैं, इफ लगा है, फिर आई लगा है, और फिर यहाँ पर वर का यूज किया गया है, तो फिर याद रखना यहाँ पर कुड का यूज किया जाएगा. ठीक है ना, आई कुड सेव हिम. कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये फ्रेजल यूज है. प्रेजेंट यूज में क्या होगा, कुड आएगा और उसके बाद में नॉट आएगा, फिर हेल्प आएगा, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ब आएगा. ओके, फिफ्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म. ओके, वर्ब में आईएनजी लगा होगा, वर्ब में आईएनजी लगा होगा. ओके, तो जो इसका आइडेंटिटी होती है वो होता है बिना नहीं रह सका, ये कहीं भी लगा होगा, बिना नहीं रह सका. देखिए बिना नहीं रह सका, बिना नहीं रह सकी, ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपको ये पहचान मिलती है वहां पर कुड नॉट हेल्प और वर्ब में आईएनजी लगाइए. ओके, कुड नॉट हेल्प एज अ फ्रेजल यूज हुआ है. तो जैसे कि तुम हंसे बिना नहीं रह सके, यू कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तुम हंसे बिना नहीं रह सके, कुड नॉट हेल्प लाफिंग. मैं उस चिट्ठी को पढ़े बिना नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प रीडिंग दैट लेटर, हम वहां गए बिना नहीं रह सके. अच्छा, वह है, वह वहां गए बिना नहीं रह सके, शी कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर. ओके, तो ये सब था आज के लिए, बस इतना ही. ओके, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.